गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबोली से बोल रहा हूँ। आज अगर लोगों के घर में कुछ लोग पॉजिटिव पेशेंट्स आ गए हैं और उनको डर लग रहा है कि हम घर में कैसे इलाज करेंगे या हॉस्पिटल जाके एडमिट करें और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो घर में इन लोगों का कैसे केयर करना है और कैसे इंतजाम करना है, मैं आपको 2 मिनट में दिखाऊंगा। हम अपने घर में 3 सेक्शन बनाएंगे। ये है हमारे घर का पहला सेक्शन। पहले सेक्शन में वो लोग रहेंगे जिन लोगों को कोई बुखार, जुकाम या कोरोना के फीचर्स नहीं है। जाकर के सब लोग टेस्टें कराने का कोई बेनिफिट नहीं है। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है, जिनको बुखार नहीं आ रहा, उनको सिर्फ 2-3 चीजों की जरूरत है। रोज अपना टेम्परेचर चेक करिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करिए, अगर घर में दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फेस मास्क का यूज करिए, और सोशल डिस्टेंसिंग, 1 हाथ की दूरी पे रहिए। इस इतने दूरी पे रहने पे कोरोना के फैलने का डर ऑलमोस्ट निल होता है। तो वो सब लोग जो लोग ठीक हैं, जिन लोगों को फीवर नहीं आया है, वो लोग अपने घर के उस सेक्शन में रहेंगे जिस सेक्शन में दूसरे इन्फेक्टेड लोग नहीं है। जिनको फीवर आ गया है और जुकाम, बुखार, खांसी हो रही है, वो लोग घर के दूसरे सेक्शन में रहेंगे, और इन दूसरे सेक्शन के अंदर जो लोग नॉर्मल हैं वो उनको डिस्पोजेबल्स में खाने का इंतजाम करेंगे। खाने में क्या खाएंगे? खाने में कोई भी वेजिटेरियन फूड, क्योंकि भूख कम हो जाती है, स्मेल कम हो जाती है, इसको आने में 1 महीना लगता है। इन लोगों को लिक्विड डाइट, सूप्स, जूस या ऐसी चीजें जो वो लोग खुद मांग रहे हो, सब अलाउड है। खाने में किसी चीज की मनाही नहीं है। आपको इसके अलावा क्या इलाज करना है? इन लोगों को बुखार हो सकता है। बुखार वाले लोगों को आपको बुखार की गोली सुबह, दोपहर, शाम लेनी है। अगर बच्चे हैं तो यही गोली आधी हो जाएगी। अगर बिल्कुल खाना नहीं खा रहे तो ORS का सलूशन देना है। कुछ लोगों को विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, मैंने प्रिस्क्रिप्शन अपने WhatsApp स्टेटस पे प्रिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। इस प्रिस्क्रिप्शन को अगर आप प्रिंट करो तो ये कहता है कि आप पहले तो 1, 2 और 3 विटामिन हैं, अगली 2, एक तो फीवर की और जुकाम, बुखार, खांसी और गले दर्द की दवाइयां हैं, ये दवाइयां आप लीजिए। इस पर्चे से आप ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली कोरोना वायरस एक नॉर्मल सा माइल्ड सा वायरस है, 99% लोग इससे ठीक हो जाते हैं और उनको कुछ और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बट 1% लोग जब बीमार होते हैं तो उनका बुखार बहुत तेज हो जाता है, वो लोग खाना खाना छोड़ देते हैं और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगती है। हैबत होने पे ऐसे लोगों के लिए घर में हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लेके आते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर हम पेशेंट्स को रोज लगाएंगे। लगाने के बाद, ये कनेक्ट करने के बाद, 1 बटन दबाने से पल्स ऑक्सीमीटर ऑन हो जाता है, और ऑन होने पे थोड़ी देर वेट करना है, ये आपको पल्स दिखाने लगता है। जब ये पल्स दिखाएगा तभी उस वैल्यू को मानना है। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% बता रहा है। 90 से कम है तो ये पेशेंट सिक हैं, अगर 90 से ज्यादा है तो डरने की बात नहीं है। मैंने इतनी देर इसलिए वेट किया क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर लगभग 30 सेकंड ले जाता है नॉर्मल सैचुरेशन बताने के लिए। अब मान लीजिए अगर ये लोग 90 से कम ऑक्सीजन पे आ गए हैं, अब इनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी पे ले जा रहे हैं पर बेड नहीं मिल रहे, तो हम क्या करें? इसमें नॉर्मल लोग कोई भी एंटर नहीं करेंगे और इन सब लोगों को हम 14 दिन के लिए आइसोलेट करेंगे। मान लीजिए अगर ये पेशेंट है और मुझे इनकी केयर करनी है, तो जो बहुत जरूरी वाली चीजें मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप इस कमरे में जाएंगे तो आप एक बड़ा कपड़ा या कोई भी गाउन, जिससे कि आपके कपड़े इन्फेक्ट ना हो जाएं, वो गाउन पहनेंगे। गाउन के ऊपर मास्क, गाउन पहन के आपका ये पूरा एरिया कवर हो गया। तब आप इसके ऊपर एक नॉर्मल कोई भी मास्क या N95 मास्क लगा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इन मास्क को इधर की तरफ हाथ से नहीं छूना, छूने के बाद स्टरलाइज करना है, आंख में नहीं लगाना। आप सिंपल मास्क भी यूज कर सकते हैं, बट इसको रोज डिस्कार्ड करिए। अब क्योंकि ये इन्फेक्टेड जोन है, इसलिए मार्केट में ये प्लास्टिक की बनी शील्ड्स मिलती है। इसको अगर आप लगा लेंगे तो आपके सेक्रीशंस बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे ही ये मरीज भी मास्क लगाएगा और ये भी शील्ड डालेगा। इससे क्या होगा, इससे उसके सेक्रीशंस और आपके सेक्रीशंस मिल नहीं सकते, आपको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इस आदमी के साथ अगर आप टाइम बिताना चाहते हैं
तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से इससे ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा टाइम ना बताइए उनको। खाने के लिए डिस्पोजेबल्स का खाने में दीजिए, जैसे मैंने पहले बताया खाने में आप सब कुछ दे सकते हैं। अब इन लोगों की केयर करते समय याद रखिए कि वो लोग खूब हैंड सैनिटाइजर्स या सोप का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जब भी इन लोगों का सेवा करेंगे तो आप ग्लव का यूज करेंगे, हर बार ग्लव्स को डालने के बाद ही आप पेशेंट को टच करेंगे। ये ग्लव अगर कपड़े के यूज कर रहे हैं घर के बने हुए तो हर बार उनको घर से बाहर जाने के बाद उनको वॉश किया जाएगा। अगर डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं तो हर बार यूज करने के बाद थ्रो कर दिए जाएंगे। अब अगर आप ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट के साथ उसके केयर करते हैं, उसको खाना देते हैं, उसके ऑक्सीजन लगाते हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको इन्फेक्शन आने का चांस कम हो। मान लीजिए अब ये पेशेंट का मैंने ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया और ये 90 से कम था, मैंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया और ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रहने दिया, ये पेशेंट को फीवर भी आ रहा है, इसका ऑक्सीजन भी कम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पल्स ऑक्सीमीटर को लगा ही रहने दूंगा और ऐसा सिलेंडर मार्केट से मिल जाता है, इसकी रीफिल हो जाता है, 400 रुपये पर रीफिल लेता है, एक महीना चलता है। इसमें एक नॉब रहती है, ये नॉब को अगर आप ऑन करेंगे तो ये लीटर्स बताता है कितने लीटर पे चल रहा है। 5 लीटर पे जनरली जब भी होता है तो ऐसे छोटे नेजल प्रॉन्ग्स हम पेशेंट को लगा सकते हैं, ऐसे नेजल प्रॉन्ग लगा सकते हैं। नेजल प्रॉन्ग लगाने के बाद आप ये पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग देखिए कितनी आ रही है, अगर ये 90 से ज्यादा नहीं आ रही और पेशेंट को तभी भी हैबत हो रही है तो आप ये नेजल प्रॉन्ग हटा के मार्केट से ये बड़े वाला मास्क ला सकते हैं। इस मास्क से अगर आप सिलेंडर पे लगाएंगे तो 10 लीटर तक एक पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा सकती है। तब आप ऑक्सीजन चेक करिए, 5 मिनट वेट करिए ऑक्सीजन देके, इसके बाद भी अगर ऑक्सीजन इंप्रूव नहीं हो रही तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचती है हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क। ये मास्क के साथ एक गुब्बारा लगा रहता है, इसको जैसे ही हम ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा देता है और इसमें आप 15 लीटर तक ऑक्सीजन भर सकते हैं। ये गुब्बारा भर जाने के बाद जब आप लगाते हैं तो पेशेंट की हैबत या ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव कर जाती है। इसको लगाने के बाद आप सैचुरेशन को देखते जाइए, जब वो 90 से ऊपर हो जाए उसको ऐसी रहने दीजिए। दिन में ये लोग मास्क 3 से 4 घंटे लगा सकते हैं, और जैसे अगर हैबत होने लगे तो छोटे मास्क भी आ सकते हैं, और अगर हो सके तो सोते वक्त बेड एंड को थोड़ा ऊंचा करके रखिए। अब इस कमरे की सेफ्टी के लिए कि इन्फेक्शन बाहर ना जाए, घर का बना फिनाइल या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से घर का पोछा मारिए। अब आप इस कमरे से जब बाहर आने लगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ग्लव उतार के डस्टबिन में फेंक देने हैं और ये गाउन निकाल के आपको बाहर नहीं जाना। आप ये गाउन को हटा के उसी कमरे में छोड़ देंगे, मास्क शील्ड्स उसी कमरे में छोड़ देंगे और हैंड वॉश करके, आप पूरा हैंड वॉश करके इस कमरे से बाहर आएंगे। 14 दिन तक अगर इन लोगों की ऐसे ही सेवा करी जाए तो ये लोग इम्प्रूव हो जाते हैं। अब इन लोगों की दवाइयों का क्या, मैंने जैसे पहले बताया था व्हाट्सएप स्टेटस पे एक और ट्रीटमेंट डाला है। ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है जिनको बेड्स नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है और दवाई देने का और कोई इंतजाम नहीं है, तो आप पुराने ट्रीटमेंट की तरह देखिए। ऊपर मैंने 4 मल्टीविटामिन लिखे हैं, उसके नीचे मैंने भूख लगने का सिरप लिखा है, नीचे हमने जो दवाइयाँ लिखी हैं वो सिम्टोमेटिक इलाज के लिए हैं, जैसे कि डेरीफिलिन, जैसे कि मोंटिलुकास्ट मैंने पहले बताई। इसके अलावा जो नीचे आने वाले इंजेक्शन या एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टर की गाइडेंस में लेने चाहिए, वो एक तो है डॉक्सीसाइक्लिन, सुबह शाम 5 दिन के लिए 10 गोलियां, ये लोग इतनी देर में इम्प्रूव कर जाते हैं। और दूसरे हैं 2 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन है ब्लड थिनर का, क्योंकि कहा गया है कि ऐसे लोगों को क्लॉट्स बन जाते हैं, इसलिए ये इंजेक्शन सुबह शाम देना है डॉक्टर की गाइडेंस में। और एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन 10 रुपये का डेक्सामिथासोन, जो दिन में एक बार लगेगा सुबह। अगर ये इंजेक्शन आपके पास में आपके घर का डॉक्टर लगा देता है तो आपको हॉस्पिटल के खर्चे या हॉस्पिटल के बेड अगर नहीं अवेलेबल है तो भी आप इंतजाम कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास इंजेक्शन की कोई भी सहूलियत नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा है। तो मैंने एक ब्लड थिनर एपिक्साबैन और एक स्टीरॉयड ओरल मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी रखा है, आप इसको भी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रिंट करके ले सकते हैं। इतना सेटअप अगर आपके घर में है तो ये आईसीयू का काम करेगा। मैं फिर बोल दूं,
आपको सैनिटाइजर, फेस शील्ड, फेस मास्क, बेड जिसका बैक ऊंचा हो, तीन तरह के फेस मास्क, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, घर में फिनाइल, एक कवर, बॉडी कवर जो सेवा कर रहे हैं, हर बार ग्लव्स का यूज करिए। ये एक आईसीयू सेटअप है, क्योंकि आज भी कोरोना की कोई स्पेसिफिक दवाई या वैक्सीन आनी है और इससे ज्यादा ट्रीटमेंट अभी भी आईसीयू में नहीं हो रहा है। बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन में दो और दवाइयां हैं जो बगैर आईसीयू सेटअप के नहीं दी जा सकती। ये 99% इलाज हर लोगों तक अगर पहुंच जाए तो वो लोग जिनको मेडिकल सेवा अभी भी उपलब्ध नहीं है, वो लोग अपनी सेवा या अपने घर वालों की सेवा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ।